साई ऑटोमोबाइल्स अब आपके पारा बाजार में आ गया है। मजबूत और सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला सफारी ई रिक्शा, आसान शर्तों पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। आज ही घर लाएं खुशियों की सौगात और बने एवरेज के बादशाह। हमारा पता है साई ऑटोमोबाइल्स, सुल्तानपुर रोड, पारा बाजार। हमारा फोन नंबर है 9935377130, 9026185379। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर के कुरेभाड़ क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय इटकॉली की छात्रा मीनाक्षी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से उसका ये हाल हुआ। सुल्तानपुर में श्री रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी करने से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि वादी ज्ञानेंद्र तिवारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेठी पुलिस अधीक्षक ने गौरीगंज पुलिस कार्यालय में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी को आवश्यक निर्देश भी दिए। अमेठी में विद्यालय ज्ञान सुरक्षा समिति और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र भी मौजूद रहे। अमेठी में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें अलग अलग अस्पतालों के 10 प्रकरण सामने आए। अयोध्या में बन रहे रामलला मंदिर के निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सम्पन्न हो गई। बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा की गई। अयोध्या पहुंचे अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार और डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने होमगार्डों से मुलाकात की, साथ ही मुख्यालय के लिए नई बिल्डिंग को चिन्हित भी किया। अयोध्या के सर्किट हाउस में महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने समीक्षा बैठक की। बहराइच की सामाजिक संस्था अंजुमन इदरिसिया में इसरार अहमद को जिला अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। बहराइच में एसपी प्रशांत वर्मा ने जंतर दर्शन में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए माथहतों को निर्देशित भी किया। लखीमपुर के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में मणिपुर हिंसा को लेकर AIMIM के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए महिलाओं के लिए न्याय की मांग की। लखीमपुर खीरी के अजमानी पब्लिक स्कूल में भारत विकास परिषद ने गुरु वंदन छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।